हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको प्लास्टिक के गंदे बर्तनों को साफ करने का आसान तरीका बताने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। देख रहे हैं ये बर्तन हमारे कितने गंदे हैं और हम इनको बहुत ही आसानी से साफ करेंगे। हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लेना है टॉयलेट क्लीनर। आप कोई भी, ये हम हार्पिक का यूज़ करने जा रहे हैं, आप जो भी लेते हो आप वो ले सकते हैं। तो इसके लिए हम पहले अपने हाथ को ढक लें। तो फ्रेंड्स ये देखिए, हमने अपने हाथ को पॉलिथीन से ढक लिया है। अगर आपके पास ग्लव्स हैं तो आप ग्लव्स पहन लीजिए, क्योंकि इससे आपके हाथों को कोई नुकसान नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, इस टॉयलेट क्लीनर की मदद से ये इस पर हल्का हल्का सा गिरा देंगे, जहाँ जहाँ गंदगी लगी हुई है इसको हम ऐसे पूरे में थोड़ा थोड़ा सा फैला देंगे। इसी तरह हम बाल्टी में भी इसको लगा देंगे अच्छे से। ये पूरे में हम लगा देंगे। ये देखिए, हमने इसको लगा दिया। ये देखिए, पीछे भी बहुत गंदा है, ये सब साफ हो जाएगा। अभी इसमें हमको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब फ्रेंड्स, जूने की मदद से हमें इसे हल्का हल्का सा रगड़ देना है। ये देखिए कितनी जल्दी गंदगी सारी कटी जा रही है, हमारा नया हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, हम इसको बाहर से भी साफ कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा टब साफ हो गया है। ये जो इसे किनारे में गंदगी बैठ जाती है, इसको भी हम ऐसे रगड़ रगड़ के, ये देखिए सब साफ हो जा रहा है। हम इसके पिछले हिस्से को भी साफ कर लेंगे। ये देखिए सारी गंदगी निकले जा रही है। अब इसी तरह हम बाल्टी को भी साफ करेंगे। ये हमारी बाल्टी भी बहुत गंदी थी, इसको भी हम साफ, ये देखिए ऐसे किनारे में भी सब गंदगी लगी हुई है, इसको भी हम अच्छे से साफ कर लेंगे। बाल्टी हमारे साफ हो गया। आप देख रहे हैं, आप ये किनारे पे गंदगी जमी हुई है, इसको साफ करने के लिए आप किसी भी पुराने ब्रश का इस्तेमाल करिए, इससे फटाफट ये निकल जाएगा पूरा। ब्रश से जो पतली जगह है उसको हम ब्रश से साफ कर लेंगे। ये सारी चीजें हमारे बाथरूम में रहने की वजह से बहुत ज्यादा गंदी होती है। पीछे की हिस्से की सफाई भी हम ऐसे ही करेंगे। ये हमने पूरी तरह से साफ कर दिया है। अब हम पानी से धोएंगे। Thank you.
पानी से धुल लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने डिटर्जेंट पाउडर से ये जो भी आप बर्तन मांजने में जो भी पाउडर यूज करते हैं उससे आप उसको एक बार अच्छे से साबुन से धो दीजिए ताकि इसमें टॉयलेट की क्लीनर की स्मेल ना आने पाए। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो और अगर आपको लग रहा है कि हमारे बर्तन साफ हुए हैं तो आप भी एक बार ट्राई जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।